पकड़ो इसको, ट्राई करते हैं। ये देखो जंगली वाटरमेलन है, ये देखो। तो गुड मॉर्निंग सभी को, स्वागत करते हैं एक और नए वीडियो के साथ। तो देखा था कि आप लोग लास्ट वीडियो में गांव का टूर वीडियो हम दिखाया था आप लोगों को, आप लोगों का डिमांड पे। को जो जो नया है वो भी नहीं दिखाई तो जाके देख लेना है टाइम मिलने से ये वीडियो का बाद। और हाँ, आज के वीडियो की तरफ चलते हैं। आज का वीडियो क्या रहने वाला है, बहुत ही ज़्यादा इंटरेस्टिंग रहने वाला है आज का वीडियो। आज का वीडियो पे यहाँ का वाइल्ड शुगर केन, जो कि बहुत ही ज़्यादा अपने आप में सुंदर होते हैं और बहुत ही ज़्यादा एक मेडिसिनल का काम करता है जॉन्डिस का। अभी काफ़ी साल हो गया हम भी नहीं दिखा हुआ उसको वापस, तो उसको आप लोगों को जाके दिखाएगा सोच रहे हैं आज को। तो बाकी का चीज़ें आगे पे ही पता लगेगा क्या क्या होगा क्या क्या नहीं होगा। सो बातें ज़्यादा ना करते हुए आज की वीडियो की तरफ चलते हैं सीधा। तो अभी चलते चलते खाने वाला फ्लावर दिख गया हमको वापस। ये देखो कुछ इस तरह से है, काफ़ी फ्रेश है। इधर भी है, ऊपर पे होगा पेड़ जो, इसका पेड़ जो रेंगता है, ये घास पे रेंगने वाला प्लांट का फ्लावर है जिसको खाता है, इसका हम पहले भी दिखाया था। आगे का को फेंक देना है, का यहाँ से खाने लायक होता है, पूरा खट्टा होता है। वाह, माइंड को रिफ्रेशिंग करता है सीधा। बाप रे, आगे का इसको हटा देना है, ये पूरा खाने लायक है, ऊपर फेंक देना। तो फ्रेंड्स, अभी हम घना जंगलों का बीच में पहुंच चुका है, संभाल संभाल के चल रहे क्योंकि अभी जंगल खतरों से खाली नहीं है बिल्कुल। एक्चुअली आप लोगों को अभी हम कुछ दिखाना चाह रहे हैं। सो यहाँ पे ये जो देख रहे हैं, ये देखो जंगली वाटरमेलन भी है यहाँ में। ये देखो ये वाला जंगली वाटरमेलन है, ये देखो जंगली वाटरमेलन है, ये देखो ये प्योर जंगली वाटरमेलन है। लेकिन इसको अनफॉर्चुनेटली खाया नहीं जाते, जंगली जानवर लोग इसको खाते हैं, जहरीला होता है ये। लेकिन हूबहू वाटरमेलन जैसे है, इसका साइज में ये छोटा हो सकता है लेकिन वाटरमेलन जैसे ये हूबहू जंगली है। इसका पत्ता देखो कैसा होता है, ऐसे इसका पत्ता बिल्कुल अलग है ओरिजिनल वाटरमेलन का पत्ता से। अंदर का भी कुछ इतना खास नहीं आता है, देखो ऐसे सफ़ेद कलर का है, ये सड़ चुका है पूरा। तो ये है जंगली वाटरमेलन, अलग है, काफ़ी अलग है। बाहर से देखने में वाटरमेलन जैसे है बट काफ़ी डिफरेंट है। एक्चुअली फ्रेंड्स, यहाँ हम इसके लिए नहीं रुकाता है। एक्चुअली यहाँ पे ये जो फल दिख रहा है इसके सामने में, इसके लिए हम रुक गया था। ये देखो ये बेरीज है, इसका भी देखो आसानी से फूट जाते हैं। ये भी अभी तक पका नहीं है, ये वाला को खाया जाता है, खट्टा होता है, ये भी पका नहीं है। ये गिलहरी लोग इसको बहुत चाव से खाते हैं। ये जब पक जाता है ये नरम होता है, सॉफ्ट होता है, दबाने से वो आराम से दब जाते हैं। ये देखो बहुत हार्ड है, ज़ोर से दबाना पड़ता है। अंदर का देखो रस, ये पूरा खट्टा होता है। ये टेहनी में एक्चुअली ये पूरा रेंगाता लगता है, इसका पत्ता ये है तो ये रेंगता है पेड़ का पोर, तो ये पेड़ का पोर वेट पड़ जाता होगा तो दस बाय पेड़ संभाल नहीं पाया तो गिर गया यहाँ पे।
तो फ्रेंड्स अभी हम नीचे पे पहुंच चुके हैं। ये जो पीछे का दिख रहे हैं वैसे ये पानी सीधा कहाँ पे जाता है बोलने से, नीचे जाता है हाइड्रो पावर इलेक्ट्रिसिटी जैसे जनरेट किया जाता है वहाँ में जाता है ये पानी का थ्रू ही जनरेट होते है इलेक्ट्रिसिटी। जो ऑलमोस्ट अपर सियांग जितना भी जगह है यहाँ से इलेक्ट्रिसिटी जनरेट होते है। आगे का नज़ारा कुछ इस तरह से, काफ़ी ज़्यादा धूप है आज, वैसे बहुत ज़्यादा गर्मी है, सो नहाने के लिए मज़ा होगा, पानी भी एकदम क्लियर है आज। अभी यहाँ से हम ऊपर को जाएगा, इसके बाद ये जो पानी का नाला का सामने में ही होना चाहिए हम जो तलाश कर रहे हैं, वाइल्ड शुगर केन। फ्रेंड्स यहाँ पे पहुँच चुका है जहाँ पे हमको जो चीज़ चाहिए था, और यहाँ पे ही ये देखो ये पत्ता जो लंबा लंबा करके थोड़ा दिख रहा है यही है वो मेडिसिनल वाइल्ड शुगर केन। घर का वो शुगर केन से थोड़ा बहुत मिलता जुलता है, तो वहाँ से ओके जाना पड़ेगा यहाँ पे। यहाँ से तो बिल्कुल इम्पॉसिबल सा है पहुँचना, और यहाँ पे देख सकते हैं पानी थोड़ा गहरा है, इतना भी गहरा नहीं लेकिन पानी का बहाव बहुत तेज है जो। तो फ्रेंड्स अभी वहाँ से आप लोगों को दिखाया था हम यहाँ पे आएगा बोल के, तो वहाँ से ओके हम किस तरह से आया गए, वह ऊपर में पूरा चट्टान है। सो ये जो प्लांट है ये भी ऐसा वैसा जगह में नहीं उगता है, थोड़ा सा जहाँ में मॉइस्चर है गीला ज़मीन पे ही उगता है, तो दैट्स व्हाई ये पानी का सामने में उगा, ये चट्टान का इसमें एकदम परफेक्ट इसके लिए शायद ये। फ्रेंड्स अभी देखो हम इसको बाहर निकाल चुके हैं, और ये बहुत जल्दी टूट जाते हैं। ये घर का जो शुगर केन है उससे काफ़ी कोमल होता है इसका बाहर का ये भी स्किन भी, तो दैट्स व्हाई देखो हल्का से किया था टूट गया। और वहाँ पे उसका फ्लावर है, इसका फ्लावर को एक बार देख लो सामने से, देखो इसका फ्लावर ऐसा होता है बहुत ही ज़्यादा सुंदर है, लाइक गार्डन में इसको फ्लावरिंग के लिए भी यूज़ करने से अच्छा दिखेगा ये, लेकिन इसको लगाने के लिए जहाँ मॉइस्चर है पानी कंटिन्यू देना पड़ेगा, नहीं तो ये मर जाएगा, ये फ्लावर गिर के ऐसा बन जाता है। इसके बाद पसीना देख सकते हैं हालत ख़राब हो गया, बहुत ज़्यादा गर्म है आज, पानी भी बाद में नहाना तो बनता है। उससे पहले आप लोगों को दिखाता है कि ये जो शुगर केन है इसको खाने में कैसा होता है, और वैसे इसको हम बताए कि ये जॉन्डिस के लिए ये नंबर वन होता है। सो फ्रेंड्स देखो ये ऐसे है बिल्कुल घर का शुगर केन जैसे ही है देखने में, थोड़ा बेम्बू जैसे भी है देखने में। एकदम गन्ना जैसे ही है शुगर केन वाइल्ड। सो फ्रेंड्स देखो ये वाला है शुगर केन वाइल्ड जो कि है जॉन्डिस का मेडिसिन है बोलते हैं, कुछ भी महसूस नहीं आ रहा इसके स्मेल। ओ ये कुछ इस तरह से देखने में, इसका भी छिल चुका है बढ़िया से, ट्राई करता है। काफ़ी सारा फ्रेंड्स इसमें रस तो है बट इसको खाने के लिए ट्रस्ट में कोई टेस्ट नहीं है, बिल्कुल पानी जैसे। घर का वाला क्या होता है, ये घर का वाला स्वीट होता है, ये वाइल्ड वाला बिल्कुल टेस्टलेस है, लेकिन ये दवाई है बोलता है नंबर वन है, घर का वाला से ज़्यादा इफेक्टिव है बोलता है जॉन्डिस के लिए। फ्रेंड्स ये देखो यहाँ पे एक फल का घास है, एक पुराना वीडियो में भी इसको दिखाया था, उस समय फ्लावर था, अभी ये बड़ा हो चुका है,
बरा आई मीन ये पका तो नहीं है, बस फिर भी एक बार दिखा देगा। इस बार कमती है होने के लिए, तो वो साइड में काफ़ी सारा लटक रहा है, पकने से पूरा येल्लो येल्लो होकर पूरा भर्ती हो जाएगा पेड़। अगस्त का दौरान ये पक जाएगा, अगस्त महीना में, अभी जैसे कि जुलाई है। चलिए इसका उठ के देखते हैं। ओ देखो फ्रेंड्स, पेड़ का ऊपर पे ही अभी हम सब टहनी में किस तरह से हम एडजस्ट करके बैठे हैं। सो वो साइड में काफ़ी सारा है, ट्राई करते हैं। वाह, स्किन जो है ये बाहर का, इसको भी खा सकते हैं, खट्टा है स्किन इसका। ये देखो इसका अंदर का बीच, ये मेन खाने वाला हिस्सा। वाह, अभी तो पूरा खट्टा है, जब अच्छे से पक जाता है खट्टा मीठा का स्वाद होते। फ्रेंड्स अभी नहाना वहाना हो चुका है अपना, काफ़ी फ्रेश महसूस कर रहे हैं। तो अभी धूप भी ढल रहा है धीरे धीरे, अभी आगे की ओर बढ़ते हैं। और फ्रेंड्स अभी हम नीचे पे पहुंच चुका है, यहाँ पे देखो घर भी है, यहाँ पे रहता है इसका जो देखभाल करता है, पर में गाय वगैरह भी है, और यहाँ पे इलेक्ट्रिक का पोस्ट, ये देखो नीचे पे पूरा खेती है। अभी नीचे का नज़ारा आप लोगों को दिखाता है, ये देखो बेम्बू का ब्रिज है जो कि बहुत ही ज़्यादा रिस्की है, काफ़ी ज़्यादा फ्रेश दिख रही है नज़ारा यहाँ से। वाह, और वहाँ पे है पांकांग विलेज, पांकांग विलेज का खेती है वहाँ पे जितना भी दिख रहा है, और वहाँ पे सियांग रिवर टेंकी है वहाँ पे, वहाँ पे भी अभी आप लोगों को जाके दिखाएगा। फ्रेंड्स अभी ये देखो यहाँ पे आप लोगों को सामने से जाके दिखाते हैं, पानी काफ़ी ज़रा साफ है आज। ओ शिट यार, यहाँ पे गाय गिर के बैठे, इसको बताना पड़ेगा किसका गाय है ये, यहाँ पे तो मर जाएगा ये ऐसा। अरे तो फ्रेंड्स अभी ये देखो भैया भी आ चुका है, हम दोनों मिलके इसको ट्राई करेगा, ये पूरा ऑलमोस्ट मरने वाला है पानी में पूरा हिल हिल के। आ ट्राई करना पड़ेगा इसको निकालने के। हाँ निकल गया फ्रेंड्स, फाइनली निकल गया ये जो है ऑलमोस्ट मरने वाला था, ये तो पानी के अंदर में पूरा थका दिया। ओ थैंक यू भाई आप लोगों को भी। सो फ्रेंड्स इसको निकाल चुका है जैसे कि, और जिसका भी गौरव था होपफुली उसको मालिक देख रहे हैं बोलने से, सभी को कमेंट में लिख देना थैंक यू बोल के, हम लोग समझ जाएगा पूरा हालत खराब हुआ थक गया। सो लेकिन अच्छा लग रहा है काफ़ी, उसको निकाल दिया पानी से, जा रहे वहाँ पे ऊपर में, जिंदा हो जाएगा अभी। आई थिंक वो काफ़ी घंटा से पानी में था हुआ। हाँ वैसे वीडियो भी इतना ही था आज के लिए, सो आज के एंडिंग वीडियो बहुत ही ज़्यादा ताबड़तोड़ वाला एंडिंग था। सो फ्रेंड्स आज के लिए वीडियो इतना ही था, सो आने वाला ब्लॉग के लिए तैयार रहना है, तब तक के लिए सभी को गुड नाइट, जय हिंद जय भारत।